आज जा रहे हैं इस गाड़ी का शीशा बदलवाने, इन्होंने इससे बंदा उड़ा दिया तो इसका शीशा टूट गया। भाई ये बंदा नहीं उड़ा एक्चुअली, यहाँ पत्थर वत्थर लग गया था कोने पे तो ये पूरा क्रैक हो गया। तो हम आपको दिखाएंगे आज कि हम कैसे शीशा बदलवाते हैं। आप यूट्यूब में नहीं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल, क्योंकि 99% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते चैनल। ये शीशा वैसे 6000 रुपए का आता है, पर क्लेम से हम शायद इसे 1000 रुपए में बदलवा लेंगे। हरी बत्ती तोड़ रहे हो, शर्म नहीं आ रही? लाल पे चल रहे हैं, तो लाल पे चलते हैं, हरी पे रुकते हैं। आ गए हैं विंडशील्ड एक्सपर्ट, जो आपकी गाड़ी एक घंटे में शायद ठीक करके देते हैं। और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर अगर आप देख रहे हो तो हमें पैसे दे देना। वैसे इतना बुरा तो नहीं लग रहा है, पर ये ना पहले यहाँ तक का था और एक इतना लंबा हो गया। और आप कल रेस में हार गए थे, शीशे की गलती थी इसमें जो आप हार गए। एरोडायनामिक जो थी ना वो हवा अंदर घुस गई थी तो इसलिए हार गए बस। भाई तो ये है सेकंड डे ऑफ टूटी विंडस्क्रीन, जो अभी तक ठीक नहीं हुई है, क्योंकि विंडस्क्रीन अमेरिका नहीं गई हो क्या? सीतापुर गए हो? एक क्लेम लेने में एक दिन लग गया। टाटा वाले एक्चुअली थोड़ा देर में क्लेम देते हैं, तो उसने कहा नेक्स्ट डे आना। भाई शीशा बदला जा रहा है इसका, इसकी गाड़ी का देखा नहीं जरा? खुद तोड़ देगा साले तू। भाई क्यों तोड़ते हो, क्यों थोकते हो गाड़ियाँ? ये टूटा कैसे था वैसे ये तो बता। रोड़ी तो रोड़ी का काम है क्या तुम्हारा? साइड पे हाँ, रोड़ी का भी काम है मेरा। आई टेन ग्रैंड और इसका सेम शीशा है? मैंने कहा था आई टेन ग्रैंड जैसी ये टिंटेड भी है, ये वाला टिंटेड नहीं है। भाई तेरा तो फायदा हो गया, ये वाला शीशा लगेगा उस गाड़ी में। और अभी पूरी गाड़ी आगे से खुल रही है, फिर शीशा खुलेगा, फिर उसमें लग जाएगा। और आई टेन ग्रैंड का शीशा ही है, आई टेन ग्रैंड और इसमें सेम लगता है। पर ये यूपी 32 क्यों है भाई? ये 32 की गाड़ी यहाँ क्यों चला रही हो तुम, ये बताओ। मैंने वहाँ तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई तो तुमने सीधा नई गाड़ी खरीद ली। साफ़ सफाई करवा लिया करो भाई, कभी चलती नहीं है भाई, चलती नहीं है, 1,00,000 किलोमीटर ऐसी चली गई। होंडा का ओरिजिनल है भाई, ये देखो, ये देखो भाई रबड़ निकाल रहा है वो, रबड़ निकाल दी भाई। ये रबड़ तो खुद ही निकाल लेता मैं, सभी खुद कर लेते हैं, हमें तो फालतू में लाया था। हम पे शीशा नहीं था, वरना सारे काम खुद ही कर लेते। घर का भी लगा सकते थे, घर का शीशा साइड से शीशा ले आता लगा देता है ना। पता नहीं कोई अजीब सा टूल है, इससे कुछ हो रहा था अभी, फिर से करेंगे भैया। ओ भाई ये हो क्या रहा है, ये क्या ही है? बच्ची कुछ ही रबड़ निकाल रहे हैं। तो अब तो शीशा ऐसे ही पॉप अप हो जाना चाहिए शायद। मैं सोच रहा था कि शीशा तोड़ेंगे वोड़ेंगे प्रॉपर, तो कुछ तोड़ ही रहे हैं। ये जो आदमी आपकी गाड़ी में काम कर रहे हैं हाँ, देखिए रॉबर्ट फिल्म हाँ वो तो लग ही रहे हैं, वो तो भैया है ही एक्सपर्ट। कितने सालों से कर रहे हो भैया? 25 साल। सही है भाई, तो भाई बिना शीशे की गाड़ी ऐसे लगती है। पहले भी टूटा हुआ है। कितनी बार तोड़ा हुआ तुमने शीशा? चाह पूरी साफ करके लगाओगे ना? पहले इन्होंने 2-3 हज़ार में बदलवा दिया होगा ना। भाई ये देखो, इन्होंने यहाँ से रबड़ चीर दिया है। यहाँ गिलहरिया विलहरियाँ रहती थी क्या यहाँ पर? भाई ये ओवर वीएम से पूरा शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा चिपकता नहीं है, मुझे लग रहा था स्लाइडिंग वाला सीन है। इधर तो घर में भी दिखा सकते हैं भाई। ये है जिससे गला वाला काट देते हैं लोग, वो देखा था ना हिटमैन, उसके पास ये होता है ना हिटमैन वाले पे। ये क्या है, क्या ये ग्लू हो गई ना ये एक तरीके की? ये देखो भाई ये ग्लू है, कितनी देर में चिपक जाता है इससे? लबाद क्या थी? 24 घंटे में सूखता है। लगाने की तुरंत बात इसको गाड़ी को चला सकते हो, चलाने लायक ले लेना इससे, बंदे चिपकाएंगे घर पे जाके। फेविक्विक MC तो है एक तरीके की शायद। एक और वलीनो, सारी वलीनों के शीशे टूट रहे हैं, हमारा भी टूटने वाला है। तो ये भाई ऐसे शीशा लेके जाते हैं, तेरे नंबर से दूसरे वाले, दूसरा वो आएगा, ये ऐसे लेके जाते हैं और ये ऐसे लगा देंगे। अरे बहुत बढ़िया, चीते लोग हैं भाई, फटाफट काम। और इन्होंने टिंटेड वाला ग्लास लगाया जो कि महंगे वाला ग्लास है, पता नहीं क्यों। बस हो गया भैया ख़त्म। सही है भाई, 30 मिनट में भी कम में 20 मिनट में बदल दिए इन्होंने। क्या प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वैसे? ज़्यादा तेज नहीं चलानी, वैसे 60 तक तो चला ही सकते हैं, 60 की स्पीड तक। और पानी में ज़्यादा डुबानी नहीं है, पानी में ज़्यादा चलानी भी नहीं, क्योंकि ये वाली बारिश जो होती है ना ये नुकसानदायक होती है। अच्छा, तो साल में जो कभी कभार बारिश होती है वो उतना ही ठीक है। 24 घंटे में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, 24 घंटे में बिल्कुल ठीक। और 24 घंटे बाद टेप हटा दें हमें, परसों हटाना ठीक है। कहा कि जुगाड़ भी है इन पर, गर्म करते हैं हीट गन से, फिर निकल जाता है। इससे आप ना ग्लास पर चिपक चिपक सकते हो, मतलब अगर मैं इसको ऐसे चिपकाऊँ तो चिपक क्यों नहीं रहा है। भाई हो गया हमारा काम एग्जैक्टली 20 मिनट के अंदर अंदर। लेता है भाई पीछे, लेता रहा, बस पीछे वाला शीशा मत तोड़ दियो। ये देखो नया शीशा है बिल्कुल, तो अब देखते हैं भाई कितने दिन ये वाला शीशा भी चलता है। ये तो ठोकते ही रहते हैं गाड़ी वैसे भी, देखो ये भी मार रखी है कोने से।
शीशा तो बिल्कुल चीता शीशा लग रहा है, नीला आ रहा है ना ये देखो भाई, ये टिंटेड शीशा भी हो गया है हमारा। अरे स्टिकर देखो, स्टिकर भी लगा देते हैं भाई ये, कुछ हीट वीट करते हैं और लगा देते हैं। इन्होंने ना इनका एक स्कैम है आपको बताऊं, जब भी आओ ना ये आपको बहुत बोलेंगे कि आपने नई विंडशील्ड लगवाई है तो आप नया वाइपर भी लगवा लो। तो हमने तो अगर हमारे तो बहुत ही घिसे हुए थे तो हमने तो बदलवा ही लिए थे। कैसा रहा रिव्यू आपका, आप कस्टमर हो, कस्टमर रिव्यू, विंडशील्ड एक्सपर्ट। हाँ हमने ये लगवाया है विंडशील्ड एक्सपर्ट से, जो कि है वैशाली में सेक्टर, हमें पता नहीं पर काफी अच्छा काम था। पहले दिन आप आओ, एक दिन फोटो वोटो खींचेंगे, क्लेम व्लेम 10 मिनट का काम वो है, फिर 20 मिनट में शीशा बदल देंगे अगले दिन। यह बहुत बड़ी सर्विस थी, 20 मिनट में भाई शीशा बदल दिया। अभी हम कंपनी जाते हैं होंडे की, वो तीन दिन लगाते वो, और फुल तेजी में काम करता है। अगर आप पता है अगर आपका इंश्योरेंस बहुत अच्छा है ना तो ये सेम डे भी कर देते हैं, एक दिन लाओगे गाड़ी और फोटो वोटो हमारा भी सेम डे हो जाता, हमारा भी सेम डे हो जाता। इनकी कोई टाइमिंग होती है उस टाइमिंग, टाइमिंग में हम आपको बताइए, हम हमेशा ऑफ टाइमिंग ही आते हैं। इन्होंने हमें बुलाया था कि सुबह सुबह कि आप 10:30 बजे आ जाओ, और हम इनके पास गए 3 बजे। इन्होंने बोला है गाड़ी डुबानी नहीं है, धीरे चलानी है, पानी में नहीं डालना, और ऐसे इसको शीशे को धक्का मत करना। पता नहीं उन्होंने हमें देख के ऐसा क्यों बोला कि हम इसमें अंदर से शीशे को बाहर धकेलेंगे, पता नहीं क्यों बोला उन्होंने ऐसा। पर उन्होंने यही बताया 3-4 प्रिकॉशन है, और सिर्फ 24 घंटे तक का है, जब तक इनकी एडहेसिव जो होती है वो सूख जाती है। तो भाई यही था व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम हर हफ्ते में 3 व्लॉग डालेंगे, कोशिश करेंगे ना। बाय बाय।